नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको पेपर प्लेट और दोने के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और देखिए वीडियो को अंत तक। होटल में जो पेपर दोना थाली जो यूज होता है, ये देखिए, ये होटल में यूज होता है और ये गाँव घरों में भोज में यूज होता है। तो ये सब जो प्रोडक्ट है किस मशीन से बनाई जाती है उसको डिटेल से समझाने वाला हूँ। कहाँ मशीन बनती है, मशीन आपको कहाँ मिलेगी, बिहार में किस जगह मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है इस मशीन का, सारा डिटेल मैं देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो मशीन आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक पेपर लेमिनेशन मशीन है। इस मशीन से आप पेपर की डोना थाली नाश्ता प्लेट जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल आती है, वो रॉ मटेरियल इस मशीन से तैयार होती है। साइज बाय साइज इस मशीन से कटिंग भी होती है, लेमिनेशन भी होती है। ये मशीन भी आपको इस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि बिहार में कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है मशीन, तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे आपको पेपर लेमिनेशन मशीन, सिंगल डाई मशीन, डबल डाई मशीन और इसका रॉ मटेरियल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप लेमिनेशन मशीन और सिंगल डाई या डबल डाई कोई एक मशीन लेकर के इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं, जिससे होगा कि आप रॉ मटेरियल भी खुद तैयार कीजिएगा इस लेमिनेशन मशीन से और सिंगल डाई पे डाई को चेंज करके हर प्रोडक्ट बनाइएगा। अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप एक सिंगल डाई ले लीजिए अथवा एक डबल डाई ले लीजिए, कोई एक मशीन के लेकर के डाई को चेंज करके हर प्रोडक्ट को बनाइए। मार्केट की पकड़ हो जाने के बाद आप लेमिनेशन मशीन लगा लीजिए। लेमिनेशन मशीन लगाने से ये फ़ायदा है कि आप खुद तो अपने मशीन में रॉ मटेरियल यूज कीजिएगा ही, और साथ में आप मार्केट में भी रॉ मटेरियल सेल कर सकते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिंगल डाई की मशीन है, जिसमें आप डाई को चेंज करके सारा आइटम बना सकते हैं। जैसे कि होटल में जो नाश्ता प्लेट चलती है, प्रसाद खाने के लिए डोना और भोजन थाली के लिए जो थाली आती है हर साइज में, वो डाई चेंज करके आप इस मशीन में बना सकते हैं। और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। एक बार पीछे से रॉ बंडल लगा दीजिए, ऑटोमेटिक वो पेपर की डोना या थाली बना करके आगे देती रहेगी। आपको सिर्फ एक आदमी को रख के पैकिंग करवा के मार्केट में सेल कर देनी है। और दूसरी नंबर बात है कि इस बिजनेस में दोस्तों किसी तरह का ब्रांड नहीं है। जैसे आप कहीं होटल में ही नाश्ता करने जाते हैं तो वहाँ ये नहीं देखते कि किस कंपनी का प्लेट बना हुआ है, तो इसमें ये फ़ायदा है कि ब्रांड नहीं है, इसको मार्केट में आप आसानी से सेल कर सकते हैं। और ना ही किसी तरह का इसमें लघु उद्योग में ये बिजनेस आती है, तो किसी तरह का लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। घर का जो बिजली है सिंगल फेज, उसी पे ये चली जाएगी। मोटर 1 HP का लगा हुआ रहता है, घर के बिजली 200 वोल्टेज पे ये मशीन चलती है। दोस्तों, अगर आप भी इस बिज़नेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप अगर जाना चाहते हैं इस फैक्ट्री में, तो अभी मैं आपको इस फैक्ट्री कहाँ पे है पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। ये जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की है, जो NH 77 हाईवे रोड है, उसी तुर्की ओवरब्रिज के निकट ये फैक्ट्री है। ऐसे वीडियो स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जिस पे आप कॉल करके एड्रेस और लोकेशन ले सकते हैं और यहाँ पहुँच कर आप मशीन को देख सकते हैं। यहाँ आपको हर प्रकार की पेपर प्लेट मशीन, कपूर मशीन, अगरबत्ती मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, हवाई चप्पल मैकिंग मशीन, लगभग सारी मशीन आपको मिल जाएगी और उसका रॉ मटेरियल भी आपको यहाँ मिल जाएगा। आगे चल के कोई भी मशीन आपका अगर ख़राब हो रहा है तो उसके पार्ट्स और मिस्त्री के लिए आपको अलग जाने की आवश्यकता नहीं, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।